बाजी कर दियो रे, इतना हमें बोलना तो सही के बारे किसने गिरफ्तारी दे रही है तेरे को? ये देखिए करण सिंह कोसाम हल्का के प्रधान जो हैं इनको साहब ले गए शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब कर्ण सिंह आने के बाद कर्ण सिंह को गिरफ्तारी दे रहे हैं। कर्ण सिंह को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। किसान नेता किसान से बातें रघुवीर सिंह और कर्ण सिंह इनको ये गिरफ्तारी दे रहे हैं, गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एसएचओ साहब ने खुद पुतला जलाने से रोक दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। और एसएचओ साहब ने रघुवीर सिंह मंजीत और कर्ण सिंह तीनों को गिरफ्तार कर लिया है कि आप कानून। नमस्ते, जय हिंद। भान भाई, आप देख रहे हैं मिरान बस स्टैंड के ऊपर आज दशहरे के दिन भारत सरकार के तीन किसान विरोधी अध्यादेशों के विरुद्ध भारतीय किसान सभा आज प्रदर्शन करने जा रही है। और आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पे है, क्योंकि आज दशहरे का दिन है और किसी प्रकार का हा हुल्ला या किसी प्रकार का उधंगड़ हरियाणा सरकार या तोसाम प्रशासन नहीं चाहता। तो यहाँ आपके सामने इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, किसान बैठे हुए हैं, भारतीय किसान सभा के सदस्य हैं और सविस्क्रिय सदस्य यहाँ पर हैं और आम किसान भी बैठे हैं। इधर इनके साथ सामने ही एसएचओ तोसाम व अन्य पुलिस अधिकारी आपके सामने खड़े हैं। हर किसी भी प्रकार का उड़दंगर या कोई भी उपद्रव रोकने के लिए ये आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि पुतला जलाते हैं या फिर अपनी बातें इनके समक्ष प्रशासन के समक्ष रख के शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं, ये देखने वाली बात। आई हम बात करवाते हैं, ये मास्टर रघुवीर सिंह जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, आपका के आज वो प्रदर्शन का क्या वो है, एजेंडा क्या है आपका? आज हमारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम है पुतला फूकने का, विरोध जताने के लिए, क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए जो तीन अध्यादेश लेके आई है इसका पूरा राष्ट्रीय स्तर पर विरोध है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा और पंजाब के अंदर जबरदस्त विरोध है इसका, तो ये विरोध दर्ज करवा रहे हम। सरकार जो अध्यादेश लाई है, जिन्हें एक चौथा अध्यादेश और बिजली का लाई है, इसमें सब निजीकरण कर रहे हैं, किसान सड़कों पर आ रहे हैं, किसानों के MSP का रेट सरकार देने को नहीं जा रही, मंडियां ख़त्म करने को जा रही है, तो इसलिए पूरे राष्ट्र स्तर पर ये विरोध मना रहे हैं आज विरोध दिवस। तो विरोध मना रहे हैं और विरोध काफ़ी दिन से चला रहा है आपका, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ जिला स्तर पे या उपमंडल स्तर पे नहीं हो रहा है? ये सभी जिलों में सब जगह पर हो रहा है, उपमंडल स्तर भी है, जिला स्तर पर भी है, ये पूरा हरियाणा के अंदर देखो सब जगह पर हो रहा है ये। तो आप आपका मतलब किसान सभा का जो तोसाम हल्के का अध्यक्ष हो, तो वो वहाँ तोसाम हल्के के जो प्रधान हैं मास्टर कर्ण सिंह, तो वो यहाँ मिरान में कर रहे हैं, क्यों तोसाम में क्यों नहीं? देखो ये जगह निर्धारित करी थी मिरान के अंदर, और प्रशासनिक अधिकारी है उच्च लेवल से, उनके संज्ञान में सारा मामला आपका आ जाए, क्योंकि किसान जो है सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध अपना दर्ज कराया है और ये बड़ी अच्छी
अच्छी बात है कि आपने बड़ी शांति व्यवस्था को बनाए रखा है और मैं इस प्रशासन को आपकी इस बात से अवगत करा दूंगा। पास खड़े हैं तोसाम के SHO श्री संदीप कुमार जी, आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री का पुतला जलाने जा रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरा काम कानून व्यवस्था को देखना है, बाकी किसान भी दूसरे नहीं है, ये भी हमारे भाई हैं, जो भी है हम देख रहे हैं। नहीं सर, ऐसा है, त्यौहार दशहरे का दिन है और आप भी पुलिस पूरे काफिले के साथ यहाँ मौजूद हैं, सुबह से ही देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा उड़दंगबाजी करेंगे? नहीं, उड़दंगबाजी तो आप कह रहे हो, न तो ये किसान कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हो ना ये बार बार उड़दंगबाजी का, तो वर्ड ही आप यूज़ कर रहे हो, न तो किसान इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, न हम कर रहे हैं, न कोई तीसरे आदमी ने कहा है, आप क्यों कर रहे हैं इस वर्ड का यूज़, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। क्योंकि काफी जगह ऐसा होता है सर कि हो जाता है, काफी जगह की एक अलग बात है, लेकिन आप यहाँ मौके पे खड़े तो मौके की बात कीजिए ना। चलो शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं क्या किसान किस प्रकार अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं और किस प्रकार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा SHO साहब अपने पूरे दल बल के साथ खड़े हैं यहाँ पर। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। किसने गिरफ्तारी देनी है तेरा? ये देखिए करण सिंह तोसाम हल्का के प्रधान जो हैं, इनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब करण सिंह आने के बाद SHO साहब को करण सिंह को गिरफ्तारी दे रहे हैं। करण सिंह को गिरफ्तार करने जाया जा रहा है। किसान नेता किसान से बातें रघुवीर सिंह और करण सिंह इनको ये गिरफ्तारी दे रहे हैं, गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन SHO साहब ने खुद पुतला जलाने से रोक दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। और SHO साहब ने रघुवीर सिंह, मंजीत और करण सिंह तीनों को गिरफ्तार कर लिया है कि आप कानून व्यवस्था बनाए रखें, शांति भंग नहीं कर सकते हैं आप, और शांति भंग नहीं कर सकते हैं, धारा नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए इनको इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। और SHO तो शाम को जो है गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। ये चलो जी, शांति व्यवस्था को भंग करने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको तितर बितर कर दिया गया, जो कुछ थे थोड़े बहुत उनको तितर बितर कर दिया गया और मुख्य नेता थे उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। पूरी व्यवस्था जो है खराब न हो जाए किसी प्रकार की।